वो अक्सर कहता था कि जिंदगी लंबी होना जरूरी नहीं है, बल्कि जिंदगी ऐसी होनी चाहिए कि उम्र छोटी पड़ जाए। जब भी वो छुट्टी पर घर आता, स्कूल में आकर बच्चों को प्रेरित करता था। वो कहता था कि जिंदगी जीने के लिए है, काटने के लिए नहीं। इसीलिए जो भी करो पूरी ताकत से करो। वो वीर शहीद किसी को भी उदास देखता तो उसे मुस्कुराने की सीख देता। कहते थे कि मुस्कुराने से बड़ी बाधा भी अपने आप दूर हो जाती है। ये वो भारत माँ का वो रगड़माकुरा है जो अपने देश और अपने परिवार के लिए हमेशा मर मिटने को तैयार रहता था। आपको बता दें, शहीद कैप्टन कपिल कुंडू अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। उनका पैतृक गांव गुरुग्राम के पटौदी का रंसिका है। अब उनके परिवार में उनकी विधवा माँ, दो बड़ी बहनें और दादाजी हैं। दोनों बहनों की शादी हो चुकी है। शहीद कैप्टन कपिल कुंडू का जन्म 10 फरवरी 1995 में हुआ था। वो 4 फरवरी 2018 यानी अपने 23वें जन्मदिन से ठीक 6 दिन पहले जम्मू कश्मीर के एलओसी एरिया में हुई फायरिंग में शहीद हो गए थे। जानकारी के मुताबिक कपिल कुंडू जनवरी में ही कैप्टन बने थे। वो सेना की 15 जैकलाइट यूनिट के कैप्टन थे और इन दिनों जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में तैनात थे। उनकी पढ़ाई पटौदी जिले के डिवाइन डेल इंटरनेशनल स्कूल से हुई थी। साल 2012 में कपिल का एनडीए में सिलेक्शन हुआ था, जहां से वो इंडियन आर्मी के लिए चुने गए थे। बताया गया कि उनमें बचपन से ही देशभक्ति का जज्बा कूट कूट कर भरा था। एनडीए में ट्रेनिंग के दौरान भी उनके जोशीले और देश प्रेम व्यवहार से हर कोई परिचित था। दरअसल पाकिस्तानी रेंजरों ने 6 फरवरी 2018 को जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में एलओसी पर भारी गोलाबारी की थी। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी दागी गई थी। हमले में 22 साल के कैप्टन कपिल कुंडू शहीद हो गए थे, जिनके साथ 4 और जवान भी शहीद हुए थे, जिसमें 2 लड़कियां और 3 जवान भी घायल हुए थे। शहीद कप्तान कपिल कुंडू की बचपन की दोस्त से जब उनके बारे में पूछा गया तो वो अपने आंसू रोक नहीं पाए और उन्होंने जो दर्द बयान किया वो आप खुद ही सुन लीजिए। वो 2012 में आर्मी का एनडीए का टेस्ट क्लियर किया और 2012 में एनडीए ज्वाइन किया। 2012 से 2015 तक पुणे में उनका ट्रेनिंग हुआ। उस बीच वो मुझे बहुत कम फ़ोन कर पाता था, अराउंड इन 2-3 मंथ्स, बट वो हरदम बोलता था कि फ्रेंडशिप हरदम है। मैंने कहा कॉल कम करता है। फिर ही शिफ्टेड टू देहरादून आफ्टर 3 ईयर्स फॉर हायर ट्रेनिंग आई थिंक सो। एंड इन 2015 to 16 ही वॉज इन देहरादून। और पहला ऐसा इंसान था मुझे कहता रहता था रम्या बर्थडे मुझे भूल जाना, विश सबसे पहले करना। उसका 10 फरवरी को बर्थडे था, वो सेलिब्रेट नहीं कर पाता था क्योंकि उसी दिन उनके फादर की डेथ हुई थी 2012 में, व्हेन ही वाज इन 12th एंड जस्ट ही वाज अपीयरिंग फॉर 12th एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स। तो वो बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता था, बट मोस्टली मतलब मैं उसे विश करती थी, उसे बहुत खुशी होती थी। और जब भी मेरा बर्थडे होता था वो अपनी पोस्ट से बहुत नीचे आके मुझे कार्ड पोस्ट करता था। लास्ट ईयर जब उसका बर्थडे था मैं उसे कुछ नहीं भेज पा रही थी, तो कहता कि गिफ्ट किसी के बीच में भी एक्सचेंज हो तू मुझे भेजे। मैं उसने मुझे टेडी गिफ्ट किया अपने बर्थडे वाले दिन लास्ट ईयर। हाँ, वो मुझे रेगुलरली कविताएँ भेजता था, लिखता था, मम्मी के बारे में लिखता था, एक सोल्जर की माँ के बारे में लिखता था, फ्रेंड्स के बारे में लिखता था, अपनी लाइफ कैसे वो जीना चाहता है वो लिखता था, बहुत कुछ वो मुझे लिख के रेगुलरली मुझे मैसेज करता रहता था। न्यू ईयर पे उसने मुझे मैसेज किया था, शायद मुझे उसी चीज़ से समझ जाना था। उसने मुझे न्यू ईयर पे रिजोल्यूशन लिया था दैट रम्या वी विल बी फ्रेंड्स इन नेक्स्ट लाइफ टू, एंड द मैसेज इज स्टिल विद मी दैट हरदम फ्रेंड्स रहेंगे रम्या, नेक्स्ट लाइफ में भी फ्रेंड्स रहेंगे। मैं समझ नहीं पाई थी कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। एंड I do promise that yes, Kapil, we will be friends forever. He shared everything with me, मतलब सब बताता था मुझे,
मैं जब मतलब जब मैं हॉस्टल्स में थी तो मैं उसे फ़ोन करती थी कि घर की बहुत याद आ रही है ऐसे वैसे, तो कहता था रम्या मुझे भी मम्मी की बहुत याद आती है पर मैं भी तो हूँ ना यहाँ। और अभी जैसे कि उनकी मम्मी का पैर का 2 बार ऑपरेशन हुआ तो अभी लास्ट कॉल में भी वो मुझे बोल रहा था कि मम्मी से मिलने का बहुत मन है। तो अभी मैं घर थी तो मैं उसे समझाती थी कि कपिल मार्च में आ जाना मिल लेना। शहीद कपिल कुंडू की कहानी वाकई में हर नौजवान के लिए एक सबक है, एक सीख है जो आपके अंदर देश के प्रति मर मिटने का एक जज्बा जगाती है। वाकई में वो माँ बाप धन्य है जिन्होंने अपनी इकलौती संतान को माँ भारती की रक्षा के लिए हंसते हंसते न्यौछावर कर दिया। वो परिवार भी धन्य है जिसने अपने सपूत को देश सेवा के लिए सरहद पर भेजा। हम नमन करते हैं बलिदानी कपिल कुंडू को जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देकर इस मिट्टी का कर्ज चुकाया, और हर भारतीय को कपिल कुंडू के बलिदान का ताउम्र ऋणी होना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।